सर, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में हमारा दौरा चल रहा है, और चूंकि सातवें चरण में आजमगढ़ में चुनाव है, तो हम लोग इसीलिए आज आजमगढ़ की धरती पे आए हैं, क्योंकि वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने अनुदेशकों के पे इतना अत्याचार किया है, इतना दुराचार किया है, इतना शोषण किया है। विश्व के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी कि किसी का मानदेय बढ़ाने के बदले उसके मानदेय को घटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार करती है, और साल भर की हमारी रिकवरी भी कराती है। जब 2017 में हमारा 17,000 रुपया पास हुआ था, इस सरकार ने देने का कार्य नहीं किया, जबकि हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट से दोनों जगह से जीतने के बाद भी ये सरकार हम लोग के साथ इतना ज्यादती करती है, और हम लोग के मानदेय देने के बदले ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और एक प्राइवेट वकील को रखती है। और इसीलिए हम लोग, चूंकि हम लोग का सरकार आज अखिलेश यादव जी अपने घोषणा पत्र में अनुदेशकों को नियमित करने की बात करते हैं, और प्रदेश के जिस भी जनपद में गए हैं, हर जनपद में सार्वजनिक मंचों पे उन्होंने अनुदेशकों के नियमितीकरण की बात की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमारा नाम तक लेना उनको मुनासिब नहीं समझते हैं, और एक अखिलेश यादव जी है जो लगातार हर मंचों पे अनुदेशक नियमितीकरण की बात करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि एक व्यक्ति यदि हमारे लिए प्रत्येक जनपद में यदि हमारे को नियमित करने की बात करते हैं, तो हमारा 30,000 अनुदेशक परिवार का भी कर्तव्य बनता है कि हम बूथ स्तर पे लगकर इस सरकार को, समाजवादी सरकार को लाने का कार्य कर रहे हैं। और एक एक अनुदेशक परिवार, हमारे जिलाध्यक्ष गणेश यादव जी है, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष रणेंद्र सिंह जी है, और मऊ में का दौरा करके अभी हम लोग आए हैं, हर जनपद में एक एक अनुदेशक को समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोग सहेजने का कार्य कर रहे हैं। और कुछ ही दिन शेष है, आ रहे हैं अखिलेश है, और जब 10 मार्च को अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होंगे, उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक परिवार नियमित होगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अखिलेश जी ने ही उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को पैदा करने का कार्य किया है, वही हमारे पिता है, समस्त अनुदेशकों के वो पिता है, और जो पिता हमको जन्म दिया है, हमारे पालन पोषण का भी कर्तव्य उनका बनता है, और अखिलेश यादव जी हमारे पालन पोषण करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। सर, कैसा लग रहा है कि शिक्षा मित्र भी इसी तरह की बात कर रहा है, वित्तहीन शिक्षक भी इसी तरह की बात कर रहा है, अनुदेशक भी इसी तरह की बात कर रहा है, यानी मऊ में का दौरा करके अभी हम लोग आए हैं, हर जनपद में एक एक अनुदेशक को समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोग सहेजने का कार्य कर रहे हैं, और कुछ ही दिन शेष है, आ रहे हैं अखिलेश है, और जब 10 मार्च को अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होंगे, उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक परिवार नियमित होगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अखिलेश जी ने ही उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को पैदा करने का कार्य किया है, वही हमारे पिता है, समस्त अनुदेशकों के वो पिता है, और जो पिता हमको जन्म दिया है, हमारे पालन पोषण का भी कर्तव्य उनका बनता है, और अखिलेश यादव जी हमारे पालन पोषण करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। सर, कैसा लग रहा है कि शिक्षा मित्र भी इसी तरह की बात कर रहा है, वित्तहीन शिक्षक भी इसी तरह की बात कर रहा है, अनुदेशक भी इसी तरह की बात कर रहा है, यानी सारे शिक्षक जो संगठन है, चाहे अनुदेशक हो, चाहे वित्तहीन शिक्षक हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक हो, तो ये सबको अखिलेश किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, क्या आप लग रहा है आपको कर पाएंगे मैनेज? बिल्कुल सर, देखिए सर, नीयत सही होना चाहिए, और अखिलेश यादव जी जब 2012 से 2017 में मुख्यमंत्री थे, तो 3 साल के अंदर, 2013 में हमारी नियुक्ति होती है 7,000 पे, और 3 साल के अंदर हमारे मानदेय को उस 17,000 करने का कार्य किए थे, लेकिन ये सरकार बदलती है और हमारा 17,000 का मानदेय नहीं दिया जाता है। प्रदेश का क्या शिक्षक दल, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे वित्तहीन शिक्षक हो, क्या अखिलेश के साथ है या अभी उसमें भी भेद है? नहीं, कोई भेद नहीं है सर, उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश का एक एक बेरोजगार, उत्तर प्रदेश का एक एक युवा, उत्तर प्रदेश का एक एक किसान अखिलेश यादव जी की सरकार लाने को 10 फरवरी से ही संकल्पित है, और जैसा लग रहा है प्रदेश में जैसा अखिलेश जी की सुनामी चल रही है, अखिलेश जी की लहर चल रही है, और हमको तो लगता है अखिलेश जी 300 के पार जा रहे हैं। वित्तहीन गुट के आप बड़े नेता हैं,
और आजमगढ़ की धरती से पूरा पूर्वांचल कवर करते हैं, यहाँ तक कि पूरा प्रदेश भी देखते हैं।